फ्रेंड्स, आई एम इवान, वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है क्रिसमस आ रहा है और मैं आपको अपना क्रिसमस प्रेजेंट दिखाऊं। मेरा क्रिसमस प्रेजेंट इलेक्ट्रिक स्टेशनरी किट। चलो आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये रही मेरी इलेक्ट्रिक स्टेशनरी किट हुआची कंपनी की, बहुत अमेजिंग लग रही है ना। तो फ्रेंड्स, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सील है, निकलती मेरी फ्रेंड्स बाहर आ गई। और फ्रेंड्स, इसमें तो कितनी सारी चीजें मिली हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीजें मिली हैं। तो इसमें टेबल टॉप क्लीनर, इलेक्ट्रिक शार्पनर और इलेक्ट्रिक इरेजर, एक पेन्स हैं और ये पेंसिल्स हैं, एक्स्ट्रा शार्पनर इसके लिए, और ये रिंग्स हैं कुछ, और ये एक्स्ट्रा इरेजर बोल्स इस इलेक्ट्रिक इरेजर के लिए, ये पेंसिल्स हैं, ये होल पिंच है, ये स्टेपलर है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। सबसे पहले मेरा फेवरेट इलेक्ट्रिक इरेजर को निकालते हैं। फ्रेंड्स, अब सुन रहे हो इसकी आवाज, रिंग रिंग। फ्रेंड्स, बहुत सही है। अभी क्या करता हूँ मैं, इस बॉक्स को मैं पहले साइड कर लेता हूँ, इसको भी इसको इधर रख लेते हैं, और मैं स्केचबुक पे इसे बहुत सारा शेड करूँगा और देखते हैं ये इलेक्ट्रिक इरेजर कैसा वर्क करता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कैसा रब करता है। ये इरेज बहुत अच्छे हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखो मैंने भी बनाया। फ्रेंड्स, जो अब इसका डस्ट है उसको हमारे पास क्लीन करने के लिए हमारे पास एक और ऐसे चीज़ है जो है टेबल टॉप क्लीनर। ये देखो फ्रेंड्स, अब देखो जितना भी यहाँ पे डस्ट है ना, ये उसको क्लीन कर लेगा। ये देखो फ्रेंड्स, सारा डस्ट यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, सारा डस्ट इसने अंदर अपने खींच लिया। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, जो इसका जितना भी डस्ट था वो सारा इसके अंदर आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये रहा सारा डस्ट। फ्रेंड्स, अभी मैं ट्राई करता हूँ कि ये पेपर के छोटे छोटे पीसेस भी अपने अंदर ले पाते हैं कि नहीं। फ्रेंड्स, ये रहा एक वेस्ट पेपर। फ्रेंड्स, अब एक छोटे से पेपर, अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं ट्राई करता हूँ कि इस ये इसको खींच पाता है कि नहीं। अरे, फ्रेंड्स, इसने तो सारा पेपर ले लिया। अब मैं आपको वापस इसको खोल के दिखाता हूँ कि पेपर कहाँ गया। फ्रेंड्स, इसका पेपर यहाँ पे है। फ्रेंड्स, ये सारा पेपर का डस्ट और नॉर्मल डस्ट भी ऐसे खींच लेता है। फ्रेंड्स, ये है ना बहुत अमेजिंग। फ्रेंड्स, अब मैंने आपको ये टू चीजें तो दिखा दी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको थर्ड चीज दिखाता हूँ। अब हम इसको करते हैं साइड। इसका थर्ड पोर्शन है हमारा, ये आ जा, इलेक्ट्रिक शार्पनर। इसमें मैं एक पेंसिल ले लेता हूँ। अरे,
ये ले ली मैंने एक पेंसिल। अब मैं जैसे ही इसको इसमें डालूंगा ये ऑटोमेटिकली शार्प कर रही है। ये हुई नहीं अभी, ये पूरी शॉप नहीं हुई। मैं और शार्प कर लेती हूँ इसको। फ्रेंड ये देखो इसका सारा डस्ट आ रहा है। फ्रेंड इसको शॉप करने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है। आई होप ये शॉप हो जाए। शॉप हो गई। शार्पनर मेरे को इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, पर मेरे को रेजर और ये क्लीनर बहुत अच्छा लगा। जूम जूम। मैंने अब आपको तीन मेन चीजें दिखा दी, अब मैं आपको बाकी ये चीजें दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये शार्पनर के कुछ एक्स्ट्रा शार्पनर्स हैं, रिंग्स, इरेजर्स का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और यहाँ पे एक स्टेपलर है। फ्रेंड्स और ये स्टेपलर की ये पिंस है। यहाँ पे एक बार पिंस लगा के दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये स्टेपलर ऐसे खुल जाता है, मैं इसमें स्टेपल की पिंस लगा देता हूँ। फ्रेंड्स अब आप यहाँ से इसको ऐसे अटैच करो। फ्रेंड्स मेरे पास ये पेपर पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स स्टेपल लग गया। फ्रेंड्स अब मैं आपको होल पंच दिखाता हूँ, इसमें होल पंच भी है। ये है होल पंच, अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखो इसमें से होल होता है। ये देखो पेपर में होल हो गया। यो मैंने अभी तीन होल किए हैं, उसका कचरा इसके अंदर जाता है। फ्रेंड्स बड़ा मज़ा आता है इसमें होल करने में, और बहुत इजी भी है होल करना। फ्रेंड्स देखो मैंने इसमें कितने सारे होल कर दिए। फ्रेंड्स इसके साथ मुझे 10 पेंसिल्स भी मिले हैं। फ्रेंड्स अगर मैं आपको इस किट का रिव्यू दो तो बहुत अच्छी किट है। बस शॉपनर को शुरुआत में थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल होती है चलाने में, बाकी वो एकदम सही हो जाता है। फ्रेंड्स अदरवाइज ये बहुत अच्छी किट है, आप इसको बिल्कुल लेना। फ्रेंड्स ये किट मैंने अमेजोन से ली है 1600 की। अगर आपको ये किट बाय करनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।